It's an extremely big day for Ram Janmabhoomi in the city of Ayodhya. In a comprehensive move to make sure that infrastructure rises across the city, the Valmiki International Airport in Uttar Pradesh's Ayodhya is all set to be inaugurated by Prime Minister Narendra Modi. In fact, making sure that this airport caters to all those who come to visit the temple, this also has a lot of cultural things, and those things are now being designed to make sure that Hindu epic Ramayana is depicted from the word go. In fact, Prime Minister Narendra Modi will inaugurate the Ayodhya Railway Station, and it has been renamed as Ayodhya Dham just ahead of the inauguration that will take place of the Ram Temple on the 22nd of January. In fact, this new junction has been built at a cost of 430 crore rupees. Prime Minister will also be making sure that he goes to the temple and will be seeing whether everything is on schedule for 22nd January. He also will do a 15-kilometer roadshow, flagging of trains at the Ayodhya Railway Station, and will also be gathering and will also be making sure that he meets the public of the city. He's also said that one of the unique things about Ayodhya is something that will come to the forefront, and the world will understand what Ayodhya and Ram actually stands for. हमारे साथ रेल मंत्री, आईटी मंत्री और टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव सर हैं. सर देखिए, स्टेशन बनकर तैयार हो गया है और बतौर रेल मंत्री के आपकी देखरेख में स्टेशन बना है. क्या आपने सोचा था कि इतनी तेज गति से स्टेशन बन जाएगा और समय पर बनकर तैयार हो जाएगा सर, जैसे मंदिर तैयार हो गया? मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और मोदी जी के टाइम में जो फाउंडेशन स्टोन वो ले करते हैं उसका इनॉग्रेशन भी करते हैं. ये स्टेशन भी उसी कड़ी में है. देश भर में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आज बन रहा है. माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तेजी से, जिस मेटिकुलसली वो मॉनिटर करते हैं, तो उसमें ये स्टेशन बनना ही था. और जैसे राम मंदिर बन गया, स्टेशन बन गया, जिस हाईटेक टेक्नोलॉजी में ये स्टेशन बना है, वैसे ही अमृत भारत, क्या आपको लगता है कि अमृत भारत ट्रेन एक रेवोल्यूशन लाएगा अफोर्डेबल रेल ट्रैवल के लिए? सर बिल्कुल, अमृत भारत ट्रेन बहुत अच्छी एक एस्टैब्लिश टेक्नोलॉजी पे बनी है. देखो, दो टेक्नोलॉजीज होती है, अमृत भारत पुश पुल टेक्नोलॉजी पे बनी है, वंदे भारत डिस्ट्रीब्यूटेड पावर के टेक्नोलॉजी पे बनी है. आज दुनिया की ये दोनों बड़ी टेक्नोलॉजीज भारत में अपने ही इंजीनियर्स द्वारा डिजाइन की हुई है, और ये बहुत एक बड़ी उपलब्धि है कि इन दोनों इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजीज को देश ने मास्टर किया है. और इसमें बहुत सारी जो कोच वाली ट्रेन की प्रॉब्लम्स होती थी, जो जब गाड़ी स्टार्ट होती थी या रुकती थी, तब आप नोटिस करते थे जब कोच वाली गाड़ी होती है, खट 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 करके एक आवाज आती है और एक झटका सा आता है, वो सब इसमें फिनिश हो जाता है. टॉयलेट्स की डिजाइन बहुत अच्छे तरीके से नए डिजाइन किए हुए हैं. दो एक कोच से दूसरे कोच में जाने के लिए फुल्ली कवर्ड वेस्टिब्यूल्स है. बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी की बनी है. देश भर में पैसेंजर ट्रैवल आगामी वर्षों में टोटली चेंज हो जाएगा.